Hello everyone, welcome back to my channel Allen's Keynotes Made Easy. And this is Dr. Sahil. And in today's video, we will discuss the 10th medicine of Alan's Keynotes that is Aloe So, without any further ado, let's start the video. Aloe Socotrina, common name Socotrine Aloes, and it belongs to family Liliaceae. एलोसोकोट्रीना जो मेडिसिन है जो रेमेडी है ये एलोवेरा से बनती है यू ऑल मस्ट हैव सीन एलोवेरा प्लांट जो एलोवेरा प्लांट जो ग्रीन कलर का होता है जो कि जिसका बहुत जो बहुत बेनिफिशियल होता है हमारी फेस के, के लिए हमारे स्किन के लिए हमारे हेयर के लिए बहुत से लोग इसको यूज़ करते हैं उसी एलोवेरा से इस मेडिसिन को बनाया गया है दैट इज़ एलोसोकोट्रीना कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडोलेंट वेरी पर्सनस एवर्स टू आयदर मैंटल और फिज़िकल लेबर मैंटल लेबर फिटिक्स ये ऐसे लोगों की मेडिसिन है जो कि बहुत ही इंटोलेंट जो कि बहुत ही स्लो होते हैं वीक होते हैं वेरी पर्सन् वेरी पर्सन मीन्स जो कि बहुत ज़्यादा टायर्ड होते हैं बहुत थके हुए बहुत लेजी पर्सनस की ये मेडिसिन है एवर्स टू आयदर मैंटल और फिज़िकल लेबर जो कि ना ही कोई मेंटल वर्क करना चाहते हैं और ना ही कोई फ़िज़िकल वर्क करना चाहते हैं मेंटल लेबर और फिज़िकल लेबर दोनों को ही वो नहीं करना चाहते हैं मेंटल लेबर फटीग्स और अगर वो ज़रा सा भी दिमागी काम कर लेते हैं ज़रा सा भी मेंटल वर्क कर लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा थकान फील होने लगती है बहुत ज़्यादा फटीक फ़ील करते हैं वो सेकेंड पॉइंट ओल्ड पीपल स्पेशली विमेन ऑफ रिलैक्सड एंड फ्लैगमैटिक हैबिट ओल्ड पीपल की मेडिसिन है ये स्पेशली विमेंस की जो कि बहुत ही जिनका नेचर होता है बहुत ही रिलैक्सड बहुत ही काम रहने वाली और फ्लैगमैटिक हैबिट मीन्स जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही लेजी बहुत ही सुस्त एंड जैसे स्लागिश काम और जो बहुत ही एक जैसे कहते हैं कि बहुत ही जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत ही जिसमें कोई उनका एक्साइटमेंट नहीं होता है उनके किसी भी वर्क में वो बहुत ही लेज़ी लाइफ स्टाइल उनकी होती है ओके सो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि ये बहुत ही टायर्ड पर्सन्स की रेमेडी है जो कि ना ही कोई फ़िज़िकल वर्क करना चाहते हैं ना ही कोई मेंटल वर्क करना चाहते हैं और साथ ही स्पेशली ये मेडिसिन है ओल्ड पीपल की स्पेशली वूमेन की जिनकी बहुत ही रिलैक्स एंड फ्लैगमेटिक हैबिट है बहुत ही सुस्त जीवन जिनका होता है उनमें ये मेडिसिन को हम देते हैं देन कम्स मेंटल जनरल्स डिससेटिस्फाइड एंड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेंट्स स्पेशली वैन कॉन्स्टिपेटेड ऐसे पर्सन्स जब उनमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है तब वो बहुत ही ज़्यादा डिसटिस्फाइड होते हैं बहुत ही ज़्यादा एंग्री होते हैं उन्हें बहुत गु़स्सा आता है और वो अपने बारे में अपनी कंप्लेंट्स को ले करके अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के वो बहुत ही ज़्यादा एंग्री बिहेव करते हैं बहुत ही ज़्यादा डिसटिस्फाइड बिहेव करते हैं इस्पेशली वन कॉन्स्टिपेटेड स्पेशली जब इन जब उन्हें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं फिजिकल जनरल्स डिजीजेज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस मेम्ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो डिजीजेस होती हैं उसमें इसको हम देते हैं कॉजिज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्स फ्राम थ्रोट और रेक्टम थ्रोट या रेक्टम से जब जेली की तरह के लम्स हो जा बन जाते हैं म्यूकस के ओके म्यूकस इन जेली लाइक लम्स लम्ब बन जाते हैं जेली की तरह के लम्स बन जाते हैं किसके म्यूकस के सो म्यूकस इन जेली लाइक लम्ब फ्रॉम थ्रोट और रेक्टम अफेक्ट्स म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम और ये किसके म्यूकस मेम्ब्रेन को स्पेशली अफेक्ट करता है रेक्टम के म्यूकस मेम्ब्रेन को ये स्पेशली अफेक्ट करता है फाइन तो म्यूकस मेम्ब्रेन से जब म्यूकस बनने लगता है जेली लाइक लम्स में लम्स मीन्स होता है थके वाला जो जो क्लॉट्स जो होते हैं क्लॉट जिसको कहते हैं उसको लम्ब्स कहते हैं तो लम्ब्स जेली लाइक लम्ब जब बनते हैं म्यूकस के फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट और रेक्टम एंड स्पेशली म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद पर्स्प्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऐसी मेडिसिन में ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा थकावट होती है बहुत ज़्यादा थकान होती है और वो बहुत ज़्यादा पर्स्पायर करते हैं बहुत ज़्यादा उन्हें पसीना आता है सो एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विथ पर्स्परेशन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एम में ये डायरेक्ट लाइन पूछते हैं दिस वन एंड बोथ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दीज बोथ पॉइंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्राम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन में एम सी क्यूज की डायरेक्ट लाइन उठाते हैं ये दोनों पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन का एंड दिस वन एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विथ पर्स्परेशन देन कम्स हेड हेडेक एक्रॉस द फोर हेड बाई एवरी फुट स्टेप बेलडोना ब्राइनिया विद हैवीनस ऑफ आइज एंड नोजिया हेड एक कहाँ पे इनको होता है फोर हेड पे ठीक है फोर हेड में लोकेशन है फोर हेड एग्रोवेटेड बाई एवरी फुट स्टेप हर एक कदम जो ये चलते हैं चलने से इनका जो हैड है वो एग्रोवेट होता है ऐसा बेलाडोना में भी है और ब्राइनिया में भी है आइज़ में बहुत ज़्यादा हैवीनेस रहती है और नोज़िया फील होता है हैड आर वर्स फ्राम हीट हैड एक वर्स कब होते हैं हीट से ओके गर्मी से गर्मी में इनके हेड एक वर्स होते हैं बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन कोल्ड एप्लीकेशन से हेड इनको आराम मिलता है बेटर फील करते हैं एमेशन इनका कोल्ड एप्लीकेशन से होता है ऐसा आर्सेनिक में भी होता है ऑल्टरनेटिंग विद लम्बैगो हैडेक्स जो ऑल्टरनेट है, करते हैं लम्बैगो से लम्बैगो मीन्स बैक एक आफ्टर इनसफिशेंट स्टूल और अगर स्टूल सही से पास नहीं हो रहा है इन स्टूल सही से स्टूल पास नहीं हो रहा है तो भी इनको हेडेक्स होते हैं नाउ कम्स गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम डायरिया हैज़ टू हरी टू क्लॉज इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग जैसे ही ये कुछ खा लेते हैं कुछ पी लेते हैं तो इनको डायरिया की कंडीशन फील होती है डायरिया सेट हो जाता है इनके में और जैसे ही कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं दे फील लाइक दे हैव टू गो एंड देव टू रिलीव दैम सेल्फ तो डायरिया इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विद वॉन्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इन इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर एन आए ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग और ऐसी कंडीशन इनकी अर्ली मॉर्निंग में भी होती है और इनको लगता है कि स्टूल कैन पास एनी टाइम और इनको कॉन्फिडेंस सा फील नहीं होता है इन द इंस्पेक्टर ऑफ एनस दे हैड टू रश टू बाथरूम एंड वॉशरूम्स टू रिलीव दैम सेल्फ्स सो ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग सो डायरिया कंडीशन हो गई इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इमिडिएटली कुछ खाने के बाद या कुछ पीने के बाद एंड इन द अर्ली मॉर्निंग ऐसा सरायनम में भी है रिमैक्स में भी है एंड सल्फ़र में भी है जब हम ये मेडिसिन आगे पढ़ेंगे सरायनम रिमैक्स एंड सल्फ़र तो ये पॉइंट्स हमें वहाँ पर आएगा एंड एट दैट टाइम हमारा ये पॉइंट एलो में भी रिवाइज़ हो जाएगा वन पासिंग फ्लैटस सेंसेशन एज इफ स्टूल वुड पास विद इट ओके एट द टाइम ऑफ पासिंग फ्लैटस दे हैवे सेंसेशन दैट स्टूल वुड पास अनकॉन्शियसली एंड इनवॉलेंट्रीली ऐसा ओलियाडर में भी है मिराटिक एसिड में भी है एंड नैट्राम्य कॉलिक कटिंग ग्रिपिंग पेन इन राइट लोअर पोर्शन ऑफ एबडमिन कॉलिक जो है जो पेन है वो लोअर पोर्शन में होता है एबडमिन के एबडमिन के लोअर पोर्शन uh, में होता है जो कि बहुत ही कटिंग टाइप का है जैसे लगता है कुछ कट रहा है ग्रिपिंग टाइप का पेन होता है इन द राइट लोअर पोर्शन ऑफ एबडोमन ओके लोअर पोर्शन है एब्डोमेन का और कौन सा साइड है राइट right साइड में इनको पेन होता है बहुत ही एक्सक्रुशिएटिंग पेन होता है बहुत ही एक्सक्रुशिएटिंग का मीन्स होता है एक्सट्रीमली पेनफुल बहुत ही ज़्यादा पेन होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल Uh, ये जो पेन होता है जो कॉलिक होता है इन द लोअर पोर्शन ऑफ एबडमिन ये होता है बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल एंड ऑल पेन सीज़ आफ्टर स्टूल और स्टूल के बाद सारे जो पेन है वो कम हो जाता है ख़त्म हो जाता है सीज कर जाता है कम हो जाता है लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस लेकिन उसके बाद पेशेंट को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा पर्सपायर करता है और वो बहुत एक्सट्रीम वीकनेस फील करता है यही वाला पॉइंट यहाँ पे था एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन विद पॉस्परेशन ठीक है ये तो इनके फिजिकल जनरल्स का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल बहुत ज़्यादा इनको पेन होता है इन द लोअर पोर्शन ऑफ एबडमिन एंड आफ्टर पासिंग स्टूल ऑल पेन सीज एंड बट इट लीव्स प्रोफ्यूज स्वेटिंग एंड एक्सट्रीम वीकनेस पेन तो ख़त्म हो जाता है आफ्टर स्टूल लेकिन पेशेंट बहुत ज़्यादा स्वेट करता है और उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है अटैक्स प्रिसडेड बाय ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन और ऐसा कब होता है जब वो वो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है जब कॉन्स्टिपेशन होता है उसको उसके बाद उसको ऐसा कॉलिक होता है ओके okay? यहाँ लिखा है ना अटैक्स प्रिस बाई Obstinate कॉन्स्टिपेशन Preceded का मतलब जो पहले आ रहा है Precede, pre प्री मतलब होता है पहले प्री मतलब पहले आने वाला तो preceded तो अटैक्स preceded by obstinate कॉन्स्टिपेशन तो अटैक को कौन प्रिसीड कर रहा है ये जो अटैक्स हो रहे हैं ये जो कॉलिक अटैक्स हो रहे हैं उसको प्रिसीड कौन कर रहा है इससे पहले क्या आ रहा है कॉन्स्टिपेशन तो कॉन्स्टिपेशन के बाद ये कंडीशन आती है कॉलिक की इन द लोअर पोर्शन ऑफ एवडामिन इन द राइट लोअर पोर्शन ऑफ देन कम्स फ्लैटस ऑफेंसिव बर्निंग कोपियस मच फ्लैटस विद अ स्मॉल स्टूल दिस ऑल्सो हैपन्स इन अगारकस बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस ओके फ्लैटस कैसा है ऑफेंसिव है बर्निंग है कोपियस है फ्लैटस ज्यादा है विद स्मॉल स्टूल स्टूल कम होता है फ्लैटस ज्यादा होता है बर्निंग इन एनस आफ्टर पैसेज ऑफ फ्लैटस

स्टूल से पहले क्या होता है रामबलिंग वायलेंट सडन अर्जिंग रामबलिंग मीन्स जो पेट में जो टू um, से पेट में जो गड़गड़ाहट गर सी आवाज़ नहीं फील होती है दैट वो फील होता है रामबलिंग फील होती है वायलेंट सडन अर्जिंग बहुत ही सडन अर्जिंग फील होती है उसको बहुत ही सडन अर्ज होती है हैवीनेस फील होता है रेक्टम में ये बिफोर स्टूल है ओके ड्यूरिंग स्टूल टेनिसमस एंड मच फ्लैटस स्टूल के दौरान बहुत ज़्यादा ऐठन होती है बहुत ज़्यादा फ्लैटर्स होता है एंड आफ्टर स्टूल फेंटनेस मतलब वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा थक जाता है एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, एक्सट्रीम वीकनेस और फेंटनेस उसे ऐसे लगता है जैसे बेहोशी आ रही है ओके तो यहाँ तीन पॉइंट हैं एक है बिफोर स्टूल क्या कंडीशन है एक है ड्यूरिंग स्टूल क्या कंडीशन है एंड आफ्टर स्टूल क्या कंडीशन है हेमरोइड्स इसका हेमरॉयड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एलोसोकोट्रीना का हेमरोयस बहुत इंपॉर्टेंट होता है ओपीडी uh, के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनमें हमें एलोसोकोट्रीना को सेलेक्ट करना पड़ता है ओके okay? कॉन्स्टिट्यूशन हम उनका देख लेते हैं और ये इनकी हेमरोयड्स की जो प्रॉब्लम होती है इससे बहुत अच्छी मेडिसिन होती है ये हेमरोइड्स की एलोसोकोट्रीना हेमरॉयड्स ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स जो अंगूर का गुच्छा होता है बंच ऑफ ग्रेप्स उसकी तरह के हेमरोइड्स होते हैं दे आर ब्लू इन कलर ऐसा म्यूरियाटिक एसिड में भी है कॉन्सटेंट बियरिंग डाउन इन रैक्टम रैक्टम में बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है और इसके हेमरोयड्स कैसे है? bleeding हैं ब्लीडिंगमरॉय्स हैं ओके ब्लीड करते हैं ब्लीडिंग हेमरोइड्स हैं शोर पेनफुल टेंडर बहुत ही सेंसेटिव होते हैं हॉट रिलीव्ड बाई कोल्ड वाटर एंड इंटेंस इचिंग रिलीव कैसे होते हैं एम्यशन कैसे है कोल्ड वाटर से है और बहुत ज़्यादा इचिंग होती है इंटेंस इचिंग इचिंग एंड बर्निंग इन एनल्स प्रिवेंटिंग स्लीप इतनी ज़्यादा इचिंग होती है इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है कि वो सो भी नहीं पाता है स्किन इच अपियर्स इच ईयर एज विंटर अप्रोच वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिस पॉइंट इज आज सेवरल टाइम्स इन द एग्जामेशन और ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इच इचिंग जो होती है हर साल उसको इचिंग होने लगती है जैसे जैसे विंटर अप्रोच करता है जैसे जैसे ठंड आने लगती है वैसे वैसे उसको इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है ऐसा सुराइनम में भी है तो इस तरह के पेशेंट्स जो है ओ में बहुत आते हैं क्लिनिक में इस तरह के पेशेंट्स बहुत आते हैं जो अपनी कंप्लेट बताते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है और फिर आप उससे पूछोगे पेशेंट से आप पूछोगे कि ऐसा कब होता है तो पेशेंट आपको बताएगा कि ऐसा जब ठंडक आने लगती है तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है बहुत ज़्यादा जलन होने लगती है तो ये आप इस मेडिसिन को एट दैट टाइम यू कैन डायरेक्टली गिव दिस मेडिसिन विदाउट थिंकिंग फॉर सेकेंड टाइम ओके यू यू नीड नॉट टू थिंक ट्वाइस ऐसे में दिस दिस लाइन विल कम हैंडी कि इच्स अपियस ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेस ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं दैट वी मस्ट कीप इन माइंड और उस वक्त जब पेशेंट हमें बताता है तो ये स्ट्राइक कर जाता है इफ़ वी हैव स्टडीड द मेडिसिन वेल तो ये उसी टाइम पर हमें स्ट्राइक कर जाता है कि येस दिस पॉइंट आई हैव रेड सम वेयर एंड इट इज समेयर इन द एलोसकोट्रीना सो इट इज़ समि विच वी ऑल मस्ट कीप इन माइंड और जब आप इसको रिवाइज करते हो एक मेडिसिन को वेन यू um, आपने अच्छे से मेडिसिन समझ ली है

उसको इचिंग होती है खुजली होती है मोडालटीज़ एग्रवेशन अर्ली मॉर्निंग एग्रवेशन कब है अर्ली मॉर्निंग में है सीडेंट्री लाइफ हॉट ड्राई वेदर आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग ये सारे पॉइंट्स रिपीटेड पॉइंट्स हैं आप इसको अगर यहाँ पे समझ गए हो अच्छे से तो इसको भी समझ जाओगे कि एग्रवेशन अर्ली मॉर्निंग जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि ये ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग डायरिया वाली प्रॉब्लम फिर उसी तरह से सीडेंट्री लाइफ तो ये यहीं पे हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था कि बहुत ही हैबिट होती है बहुत ही सुस्त जीवन शैली होती है इनकी बहुत ही लाइफ स्टाइल जो होती है बहुत ही रिलैक्सड बहुत ही काम लाइफ स्टाइल होती है तो वही पॉइंट यहाँ पे दिया है फिर हॉट ड्राई वेदर ये हमने यहाँ पे देखा था ना कि ये, जब कोल्ड का एप्लीकेशन होता है ये यहाँ देखिए रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर एंड एग्रवेशन इन हॉट तो इस तरह से पॉइंट्स वही रिपीटेड हैं आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग यहाँ पे हमने देखा था कि डायरिया आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग ये चीज़ यहाँ पे देखा था हेड में देखा था हेड ये एग्रवेशन बाई एवरी फुट स्टेप तो वही सब यहाँ पर रिपीट हुआ है ओके एमिलेशन कोल्ड वाटर कोल्ड वाटर से होता है जो यहाँ पे देखा था रिलीव्ड बाय कोल्ड वाटर कोल्ड वेदर में एम्यूरेशन है डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल से इसको एमूल्यूरेशन होता है जैसे यहाँ पे देखा था ना कि वे इज दैट पॉइंट ये ऑल पेंस सीजेस आफ्टर स्टूल तो स्टूल के बाद सारे पेंस जो हैं वो सीज कर जाते हैं तो एमरेट हो जाती है कंडीशन वही चीज़ें एमेशन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल इस तरह से थोड़ा रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो बर्डन नहीं माइंड पे क्रिएट करता है ऐसा नहीं लगता है कि कुछ नया हमें यहाँ पे अलग से मोडालिटीज याद करनी पड़ेंगी अगर ये पॉइंट्स ध्यान में हैं तो ये भी आसान हो जाता है इट बिकम्स ईजी टू लर्न एंड रिकॉल रिलेशन लाइक सल्फर इन मैनी क्रॉनिक डिजीज विद एबडामिनल प्लीथोरा सल्फ़र्स की तरह का है ये सल्फर से रिलेशन है इसका ज़्यादातर क्रॉनिक डिजीज में विद एबडामिनल प्लीथोरा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में से रिलेटेड क्रॉनिक डिजीज में ये सल्फ़र की तरह है ओके एंड कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन और जो पोर्टल सर्कुलेशन में जो कंजेशन होता है उसमें भी ये सल्फर की तरह है डेवलप्स सप्रेस्ड एडप्शन और इरप्शन में भी हम जैसे सल्फर को देते हैं तो उसी तरह से मतलब ये सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि ये किस तरह से सल्फर से रिलेटेड है तो ये सल्फर से रिलेटेड है एबडामिनल प्लीथोरा में एबडामिन से रिलेटेड प्रॉब्लम में कंजेशन ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन में और इरप्शन के केस में ऐसे ये सल्फर से रिलेटेड है सिमिलर टू एमोनियम म्योर एंड गम्बोजिया नक्सवामिका एंड पोडोफिलम ओके So that was all for cotrina And in next video we will discuss alumina. Okay, Thank you, thank you so very much.